भारत में पानी की किल्लत क्यों है? मेरे ख्याल से पानी की कमी के असली मुद्दे पूरे भारत में पसरे हुए हैं, शहर हो या गांव। जैसे 1,80,00,000 लोगों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं है। मुझे लगता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ा संकट है हमारे सामने। इससे क्या दिक्कतें हैं? कितने लोग प्रभावित हैं? किस शहर में भूजल खत्म होने वाला है? पानी का संकट दो वजहों से हो सकता है। एक तो पानी की कमी, मतलब आपके पास पानी है ही नहीं। लेकिन भारत में ऐसा बहुत कम होता है। उन इलाकों में जहां बहुत कम बारिश होती है, वहीं ऐसा होता है। और दूसरा, ग्राउंड वाटर तो पहले ही खूब इस्तेमाल होता आ रहा है। वाकई उन्हीं जगहों पर पानी की किल्लत होती है। हाल की एक स्टडी भी दिखाती है कि जिस दर से ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है, उसका मतलब ये है कि आने वाले दशकों में हम अपनी 20% फसल गंवा सकते हैं। क्योंकि हमारे किसान चावल और गेहूं उगाते हैं, क्योंकि उससे उन्हें निश्चित आय मिलती है, सरकार उनकी उपज खरीदती है। पानी की कम खपत वाली फसल उगाने के लिए गरीब किसानों को सरकार अगर इंसेंटिव दे तो कैसा रहे? पानी के संसाधनों पर भी दबाव कम होगा। पानी की किल्लत पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। पानी की भौतिक कमी से ज्यादा समस्या असल में मैनेजमेंट और गवर्नेंस की है। गरीब और असहाय लोगों को पानी नहीं मिलता, क्योंकि या तो वहाँ सप्लाई नहीं होती, या क्योंकि वो उसे हासिल करने की कीमत नहीं चुका सकते। बहुत ज्यादा असमानता है, तभी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं गरीब और असहाय लोग, छोटे और हाशिए के किसान, आदिवासी, कई मामलों में औरतें भी, जिन पर पानी लाने का जिम्मा डाला जाता है। ये सब लोग बहुत ही ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हैं, और लगता है कि जलवायु परिवर्तन से हालात बदतर ही हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते मॉनसून के पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं। बेतहाशा बारिश के दिनों के बीच थोड़ी थोड़ी बारिश की अवधियां कम होती जाएंगी। दोनों स्थितियों के बीच गैप बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन आने वाला नहीं है, वो तो आ चुका है। ग्राउंड वाटर का लेवल गिरेगा तो ये छोटे किसान फसल के लिए जमीन से पानी खींचेंगे, जिसमें और पैसा खर्च होगा। इससे गैर बराबरी बढ़ेगी। पानी की कमी सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की भी है। हमारे नियम कायदे दुनिया के सबसे अच्छे नियमों में से एक होंगे, लेकिन शायद दुनिया में सबसे खराब ढंग से लागू होने वालों में से भी। हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना काम पूरी सख्ती और मुस्तैदी से करें, इसमें लंबा समय लगेगा। और आखिरकार पानी का संकट एक राजनीतिक समस्या है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और राजनीतिक समाधान। सरकार पर दबाव बनाए रखकर नागरिक अपना अहम रोल निभा सकते हैं। इस समस्या से अभी कैसे निपटा जा रहा है? आगे और क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से जनता में जागरूकता तो बहुत है। बच्चे पानी की अहमियत और उसे बचाने के बारे में पढ़ रहे हैं। पानी को बर्बाद न करने की बात हर कोई समझने लगा है। लेकिन पानी से जुड़े हमारे दूसरे फैसलों के साथ जुड़ाव में ये जागरूकता नदारद है। हम क्या खाते हैं, हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, क्या हमारे खाने में खूब सारा पानी खर्च हुआ है या कम पानी लगा है, इस तरह के जुड़ाव, ये चीज आम जनता को अभी स्पष्ट नहीं है। या ये कि हम अपने मकान कहाँ बना रहे हैं, हमारी हाउसिंग सोसाइटी, रिहायशी कॉम्प्लेक्स में पानी की सप्लाई कैसी है, ये थोड़ा जलवायु परिवर्तन जैसा है। कई लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं सोच पाते कि हमारा रोजाना की खपत का पैटर्न ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि जागरूकता से ही भविष्य बेहतर बनेगा।